any specific questions that you feel you were asked, which was out of the blue, which was unexpected, or which you think made or break, you know, either made your interview or broke your interview in the examination? अभी नंबर तो आने बाकी हैं, but anything which was out of the box, out of the blue, which hit you, which surprised you? Hi everyone, welcome to this session wherein I will be talking with the students who have cleared RBI examination this year. I have with me Sanjay Meena today. He has cleared RBI 2020-2021 examination. First of all, congratulations to you, Sanjay. काफी थैंक मेहनत लगती है और बहुत सारे लोग हैं जो इस एग्जाम के पीछे कई साल निकाल देते हैं. यू जी सर. सो आई कैन सर्टेनली से दैट यू आर वन ऑफ द लकी वंस एंड वन ऑफ द वंस हु आर प्रॉब्ली द स्मार्टेस्ट. वी कैन से दैट फॉर श्योर कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है. बिफोर स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू, आई वुड वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पीपल, टू द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू बी वॉचिंग यू. जी सर, मेरा नाम संजय कुमार मीणा है. मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट से, और मेरी ग्रेजुएशन IIT रोपड़ से हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. उसके बाद सर मैंने मास्टर्स की है सोशोलॉजी में, साथ ही मैंने नेट JRF भी क्लियर किया हुआ है, और मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ. ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू है UPSC में, और साथ ही मैंने फिर RBI ग्रेड बी का अटेम्प्ट किया था इस पर. ओके, परफेक्ट. संजय, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आरबीआई की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई आई कैन सर्टनली वाउच फॉर दिस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फील राइट अवे दैट इट मस्ट हैव बीन अ केक वॉक फॉर यू. बहुत आसान रहा होगा, बट आई नो दैट द पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अलग हैं, सो इट इज नॉट एज ईजी एज इट लुक्स. वॉट आर योर व्यूज ऑन दिस, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू द जर्नी? टू बी ऑनेस्ट, मैं ये कहूंगा कि एफर्ट्स एक डायरेक्शन में होते हैं. लाइक मैंने काफी एफर्ट्स डाले थे प्री और मेंस के लिए, क्योंकि जॉब के लिए मैंने SBI PO और IBPS PO भी दिया था, तो कहीं ना कहीं मेरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पोर्शन काफी स्ट्रांग हो गया था, तो प्री उसके बेसिस पे निकल गया था. बाकी मेंस के लिए मैंने जितने भी डेडिकेटेडली 20 to 25 days मिले थे, डेडिकेटेड एफर्ट्स डाले थे. बाकी शायद मैं थोड़ा फॉर्चुनेट इनफ भी था कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, जो कि सिविल सर्विसेज के पैटर्न के एकदम सिमिलर था, तो शायद मुझे उसका थोड़ा बेनिफिट मिला. तो वी विल थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे. आई वुड वांट टू टॉक अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फर्स्ट, बिकॉज दैट आई थिंक मस्ट हैव बीन अ वीक एरिया, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है उसमें. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? बिकॉज ESI या Phase 1 तो तुम्हारा साथ साथ तैयारी हो रही थी थ्रू UPSC एंड अदर एग्जामिनेशंस. जी सर, इकोनॉमिक्स और बाकी पोर्शन है वो श्रीराम और श्रीराम के नोट्स और UPSC के जो करंट अफेयर्स थे उधर से कवर हो गया था. ठीक है, और फाइनेंस कहाँ से पढ़ा? फाइनेंस सर मोस्टली UPSC वाला था, क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था. ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी परफेक्ट. तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था, हाउ डिड यू टैकल दैट? बिकॉज UPSC में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, उसमें डिफरेंस ये होता है दैट यू हैव टू राइट वेरी शॉर्ट आंसर्स, यस सर, बट हेयर यू हैव टू राइट वेरी लॉन्ग आंसर्स. जी सर. सर तो वो वो कैसे टैकल किया? जी सर, उसके लिए ग्रुप काफी सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स थे, इंडिविजुअल्स थे, वो एक दूसरे से डिस्कशन करते थे कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए. तो सर जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं, जहाँ पे अपन टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी. ओके ओके, तो हाँ लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स में एक आदत लग जाती है छोटे आंसर लिखने की, 150-200 वर्ड का. जी वहां सर. पे हमें 400 से 600 वर्ड का आंसर लिखना था. जी सर. डिड यू प्रैक्टिस स्पेसिफिकली फॉर दैट, या फिर नहीं, बस वहीं पे जाके इम्प्रोवाइज किया? जी सर, वहाँ पे जाके नहीं, मैंने लास्ट में 2-3 दिन डेडिकेटेडली दिए थे, क्योंकि एक कंटेंट कवर होने के बाद में आप ये भी मैटर करता है कि आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. ज्यादा जो गेम होता है वो प्रेजेंटेशन का होता है, तो लास्ट में मैंने 2-3 दिन डेडिकेटेडली दिए थे कि मैं अपने आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और पिन पॉइंटेड आंसर्स हो, लाइक डाइवर्ट ना करूँ मैं क्वेश्चन को. जी सर. तो एन ऑनेस्ट रिव्यू, इफ एन एस्पिरेंट इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, लेट से उसने सोचा है कि यार बैंक की तैयारी करेंगे एंड साइमल्टेनियसली RBI की या किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे रेगुलेटरी बॉडी की, हाउ मच टाइम डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सच एन एस्पिरेंट हु डज नॉट हैव एनी UPSC बैकग्राउंड? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड कवर करने के लिए 2 to 3 months डेडिकेटेडली चाहिए होते हैं,
लेकिन अभी जैसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे अगर मैं आपकी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो मटेरियल काफी हैंडी होता है, जहाँ पे करंट अफेयर्स कवर करवाया जाता है, स्टैटिक पोर्शन के भी हैंडआउट्स मिल जाते हैं। तो सर अगर डेडिकेटेडली और अच्छी मेंटोरशिप में प्रिपरेशन की जाए तो 2 to 3 months इनफ होता है। और अगर हम फेज वन की बात करें, क्योंकि फेज वन में एक कंफर्ट लेवल तक आने के लिए कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, लेट्स से आपने एसबीआई की भी तैयारी नहीं करी है, तो अगर उसको भी काउंट इन करेंगे तो आई थिंक 3-4 months तो चाहिए पड़ेंगे। जी सर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो सोर्सेज के ऊपर आते हैं डायरेक्टली, थोड़ा सा तो तुमने बता ही दिया है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सोर्सेज। फेज वन के लिए स्पेसिफिकली, लेट्स से व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई, व्हाट वर द सोर्सेज दैट यू यूज्ड, एंड फेज टू के लिए जैसे श्रीराम्स बताया, तो इस तरह से और सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए डिड यू यूज एनी सोर्सेज, एंड इफ यस व्हाट आर द सोर्सेज? सर एक्चुअली मेरी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी रहती थी इसमें, मे बी थोड़ी अजीब लगे, वियर्ड लगे, लेकिन सर मैं ऐसे करता था कि 2-3 कोचिंग्स के मैं टेस्ट सीरीज परचेज कर लेता था, मैं जैसे जितने भी टेस्ट होते थे उनको सॉल्व किया करता था, तो वहां से करंट अफेयर भी आपका डिसेंटली कवर्ड हो गया, और प्रैक्टिस करने से जैसे इंग्लिश में कुछ पोर्शन गलत भी हो रहा है तो आप सॉल्यूशन से उनको वहां पे मतलब सॉल्यूशन से इंप्रूव कर सकते हो। तो सर मेनली मेरी ये स्ट्रेटजी रहती थी, वहां से कंटेंट भी कवर हो जाता था और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी, जिससे मैं कंफर्टेबल हो सकूं एग्जाम। इसको हम यूपीएससी लैंग्वेज में और आरबीआई लैंग्वेज में नॉर्मली रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि आप डायरेक्टली ना पढ़ के क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को पढ़ लो। जी सर, जी सर। हाँ, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत काम आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज अबाउट न्यूज़पेपर्स। यू मस्ट हैव बीन रीडिंग हिंदू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। Did you specifically read any other newspaper for RBI or did you stick with the Hindu? Sir, Hindu क्योंकि सर एक ही newspaper किया था मैंने Hindu, क्योंकि मेरी strategy थोड़ी ये होती है कि sources कम रखो but उनको अगर अच्छे से किया जाए तो वो ज़्यादा useful होता है। तो did it come handy in the examination? Because RBI के examination में questions बहुत straightforward थे, Hindu type questions नहीं थे। जी सर, तो सर न्यूज़पेपर का ज़्यादा रोल नहीं होता है, मुझे लगता है कि उससे बेटर ये करना चाहिए, या तो जैसे मैंने इंटरव्यू के टाइम पे आपके करंट अफेयर्स थे वो उस टाइम पे देखे थे तो वो काफ़ी हैंडी लगे मुझे, या तो वहाँ से कर सकते हो, या सर एक और साइट है एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद क्लाउड अफेयर्स, तो वहाँ से भी आप उनको करंट अफेयर्स को डिसेंटली कवर कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनेशन इतना डेप्थ में नहीं है व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव, तो आई थिंक जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ने की। राइट राइट, परफेक्ट। नोट मेकिंग पे आते हैं, डिड यू मेक एनी नोट्स फॉर वट एवर यू स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन, या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, डू यू मेक हैंडमेड नोट्स और डू यू मेक नोट्स ऑनलाइन, एंड वट इज द ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड व्हेन यू थिंकिंग अबाउट नोट मेकिंग? टू बी ऑनेस्ट, नोट मेकिंग काफी स्टूडेंट्स के लिए हैंडी होता है, बट मुझे वो बहुत टीडियस टास्क लगती है, क्योंकि वो टाइम ऐसा लगता है कि शायद वेस्ट हो रहा है, तो उससे बेटर है कि आप जैसे एडोब रीडर में कर रहे हो तो अंडरलाइन कर सकते हो उसको, और वो काफी हैंडी हो जाता है रिवीजन के टाइम पे। तो नोट्स ना बना के यू यूज्ड टू जस्ट हाईलाइट स्टफ और अंडरलाइन स्टफ और वहीं से रिवाइज करते थे। परफेक्ट परफेक्ट। रिवीजन पर आते हैं, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, व्हाट वाज द प्रोसीजर दैट यू फॉलोड फॉर रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन, इफ यू फॉलोड एनीथिंग? सर रिवीजन के लिए जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं अंडरलाइन कर लेता था, तो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैं उनको रिवाइज करके चला जाता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम दैट फॉर एग्जांपल अगर हम पीआईबी करंट अफेयर्स उठाएं या आरबीआई करंट अफेयर्स उठाएं या फिर स्पॉटलाइट उठाएं, तो उसमें क्या होता है 140 pages, 120 pages का डॉक्यूमेंट है। लेट्स से यू अंडरलाइन एंड व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग तुम्हें रियलाइज होता है दैट आई हैव टू गो थ्रू ऑल दी 120 पेजेस व्हिच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो स्टूडेंट वो कैसे टैकल करे? सर उसके लिए जैसे जो हैंडी रिवीजन, जैसे मैंने आपके वीकली देखे थे सर, वो मुझे उतने एकदम ऐसे नहीं लगे थे कि रिवीजन उनका पॉसिबल नहीं है, उनको शायद उनसे गो थ्रू हो सकते हैं। ओके ओके, जो वीकली हैंडआउट्स आते हैं उनको यूज कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। इंटरव्यू पे आते हैं, द लास्ट क्वेश्चन and the last stage of your examination, any specific questions that you feel you were asked which was out of the blue, which was unexpected, or which you think made or break, either made your interview or broke your interview,
in the examination. अभी नंबर तो आने बाकी हैं, बट एनी थिंग विच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू, विच हिट यू, विच सरप्राइज यू? सर मेरा मेनली जैसे जो स्टार्टिंग पोर्शन था चेयरमैन सर ने किया था वो मेनली ये था कि जैसे आप आरबीआई के लिए आ रहे हो, इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है तो इंजीनियरिंग का बेनिफिट क्या हुआ, तो मेरा काफी प्रेशराइज था, मुझे बार 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 वहाँ पे फंसा रहे थे. तो मैंने उनको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि मैं कैसे इंजीनियरिंग का यूज बेटर तरीके से आरबीआई में कर सकता हूँ. और सर मैं ऑनेस्ट भी रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इंजीनियरिंग के थ्रू जॉब गेन कर सकता था, बट शायद मैं एक्सेल नहीं कर पाता उस फील्ड में. तो तुमने ऑनेस्टली बताया, दे मस्ट हैव सेड दैट ये तो हर कोई बोल रहा है या ये तो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. जी सर. तो व्हाट वाज योर रिस्पांस देयर? डिड यू स्टिक विद योर पॉइंट और डिड यू humbly accept their point also? जी सर, मैं अपने पॉइंट्स पे स्टिक रहा था क्योंकि मेरा रियल रीजन भी यही था. जैसे जब मैं सिविल सर्विसेज में आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नॉन इंजीनियरिंग फील्ड चूज करना चाहिए. अगर मेरा सिविल सर्विसेज नहीं भी होता तो सर मैंने मास्टर्स की हुई थी सोशियोलॉजी में, नेट जेआरएफ भी मेरा क्लियर्ड है ताकि मैं और किसी फील्ड में अपना करियर परस्यू कर सकूँ. बट सर असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे सर कोविड के टाइम पे जो भी प्रोसीजर थे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वो काफी एक्सटेंड हो गए थे, डिले हो गए थे. तो उस टाइम हाँ जी सर. और सर 4-5 सालों में जो मैंने नॉलेज गेन करी थी सिविल सर्विसेज के दौरान उसका मुझे लगा कि मैं बेहतर इस्तेमाल आरबीआई में भी कर सकता हूँ. और आरबीआई ग्रोथ वाइज भी काफी वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, तो सर मैं फिर आरबीआई के लिए. परफेक्ट परफेक्ट. Any last tip that you would want to give to the students, aspirants, जो कि अगले साल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी? सर कम पढ़ना चाहिए, सोर्सेज लिमिटेड रखनी चाहिए और बार बार सर रिवाइज करना चाहिए. आई थिंक वो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है. परफेक्ट परफेक्ट. आई थिंक बहुत ब्रीफली तुमने सक्सेंटली बहुत अच्छी बात बोल दी है कि कम पढ़ो, जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो एंड बार बार रिवाइज करो. और सेकंडली सर टेस्ट पेपर्स जितना हो सके पॉसिबल हो सके उतने करने चाहिए. परफेक्ट परफेक्ट. यस, रिवर्स इंजीनियरिंग इज द की, काफ़ी हेल्प करता है वो एग्जामिनेशन में. थैंक्स अ लॉट संजय, आई थिंक इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. बहुत ब्रीफ छोटा सा इंटरव्यू हमने लिया, बट आई थिंक बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विच आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर दी स्टूडेंट्स जो कि इस बार का एग्जामिनेशन लिखेंगे. थैंक यू सर.